अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो हम जा रहे हैं जी KFC, और व्लॉग मैंने भी गाड़ी में बनाना स्टार्ट किया है। मौसम आज बहुत अच्छा था तो हमने सोचा कि चलें थोड़ा चिल आउट करके आते हैं। गर्मी काफ़ी थी बट मौसम ठीक है और सुबह से आज गर्मी की आपको मेरे गाइस हम रास्ते में हैं, पहुँचे वहाँ पर तो फिर आपको दिखाएँगे। हाँ जी, तो मीरपुर के अंदर हैं। आई लव मीरपुर, छोटा सा हमारा शहर है और उसी शहर के हम बासी हैं। वेट कर रहे हैं कि कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। सो जब भी हम नफीस को क्रॉस कर रहे हैं, नफीस बेकर्स, तो पाँव मेरे सूजे हुए हैं और जूता मेरा अपना है और पता चल रहा है कि मैंने किसी का मांग के पहना हुआ है, देख लो जी। अच्छा जी, तो KFC आ गया है, काफ़ी रश है, दूर से ही नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, रश है काफ़ी सारा। अभी इंटर होते हैं, देखते हैं कि अभी हमें जगह मिलती है या नहीं, मील कितनी देर में मिलेगा। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं काउंटर पे और हम ऑर्डर करने लगे हैं जी अपना। सो जी हमारी टर्न आ चुकी है और हमने अपना ऑर्डर प्लेस करवा दिया है। अभी होगी जी पेमेंट। बाबा कायद आज़म और नस चले ने जी, देखो जी बाबा और जा रहे हैं, गिनी जाओ गिनी जाओ गिनी जाओ, सारे नहीं देने कुड़िए, थोड़े देने, सोच समझ के पैसे खर्च कराया करो। बाबा कायद आज़म, बाबा KFC वाले को बहुत पसंद है, दोनों बाबे जो है ना आपस में मिल जाते हैं और जो हमारी ये आवाम है ना ये मिडल में आ जाती है। सही जी, पेमेंट हो गई है, अभी इनसे बिल रिसीव करते हैं। चलो जी, चलो जी, जल्दी करो। चलो ये है कि हम आए हैं तो हमारा जो है वो नंबर आ गया है, हमारे सामने एक ही लेडी थी, उस लेडी के बाद जो है हमारी टर्न आ गई है। अभी बिल चेकआउट हो गया, नहीं जी स्लिप भी आ गई है। चलो जी अब चलते हैं जी हम अपने टेबल की तरफ। ये लें जी, इन्होंने चंदा पहले ले लिया हमसे। टेबल के पास आए हैं तो नियर बाय है जी चमन आइसक्रीम, और मोमिना के पापा साहब देख रहे हैं कि चमन आइसक्रीम वालों के रेट्स क्या हैं, आइसक्रीम कितने की है, फ्लेवर कौन से हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे चमन वालों की हम देख रहे हैं आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं इनके, और 2 स्कूप्स 180, 3 स्कूप्स 270, 4 स्कूप्स 360। अच्छा जी, तो इनकी आइसक्रीम काफ़ी एक्सपेंसिव है। लार्ज ग्लास इनका, लार्ज वाला 490 का है, मतलब कि 500 का आपको लार्ज ग्लास इनका मिलेगा। KFC की आइसक्रीम भी नाइस है बट वो रीज़नेबल है। तो अपोजिट साइड है KFC के, ये चमन वाले, आप अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर मिक्सअप कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं सब कुछ। चमन स्मार्टीज, चमन स्पेशलर्स, सब कुछ है। अच्छा, इनकी कलर स्कीम देखिए जी कितनी प्यारी है। हमने अभी ट्राई नहीं की, ये स्टेडियम में होते थे चमन वाले, तब हमने ट्राई किया था, तो अभी उन्होंने स्टेडियम से शिफ्ट किया फिर नहीं ट्राई किया। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया हुआ है चमन वालों को तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। हम तो वेफल्स वालों की ट्राई करते हैं, वो भी नाइस हैं। अच्छा जी, KFC मील के बाद अभी हम जा रहे हैं सामने चमन आइसक्रीम के पास, वालों के पास आइसक्रीम लेने। सो गाइस आ जाइए मेरे साथ साथ। आ जाओ, स्ट्रॉबेरी और 2 कर दें चॉकलेट जी, और मेरी करें वनीला, और एक कोन करनी है चॉकलेट में,
और एक कोन वनीला में। डन हो गया। सो गाइज़ यहाँ पे जो चेयर्स हैं इनकी प्रिंटेड चेयर्स हैं और इनकी थीम काफ़ी अच्छी है, फर्नीचर की भी और बाकी चीज़ों की डेकोरेशन भी काफ़ी साफ सुथरा था। ये मेन हॉल था इनका, अंदर भी इनका रूम है। ये इनका काउंटर आ गया जी, वॉल वगैरह पे लोगो वगैरह लगे हुए हैं, नाइस। अच्छा इनके जो कोन है काफ़ी क्रंची है इनका, ये जो है बेस। अभी आइसक्रीम का देखते हैं, इस तरह की रैपिंग में आई है। आई थिंक ये वाली कौन इनकी 180 की है। और ये हैदानी कोई वक्त बोल के गालेदा सोर बिना पत्ता ते छाती बजदी ना इनका नहीं है रुतबा मुझसे आएगा। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा काफी ज्यादा। सो गाइस जो मैंने ड्रेस पहना है तो इसकी जो स्लीव्स हैं आप देख सकती हैं, देख सकती हैं सकती नहीं है, पफी स्लीव्स बनी हुई है मेरे, देखिए जी ऐसे पफीनेस। इसकी जो लुक है ना शोल्डर की बहुत नाइस आती है, चुनट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। सो जी ये भी मेरे ही टेलर ने सिलाई किए हैं, इसका स्क्वायर शेप गला गया काफ़ी ट्रेंडिंग में स्क्वायर शेप। जो इसकी स्लीव्स हैं वो इलास्टिक वाली स्लीव्स मैंने बनवाई थी इसकी। अच्छा जी तो टू पीस ये ड्रेस था, छोटे छोटे फ्लावर वाला, मतलब जिसको हम कहते हैं टू पीस, फुल प्रिंटेड ट्राउज़र एंड शर्ट दोनों सेम थे। तो वेरी नाइस लुक आई है जी मेरी इस ड्रेस की, सिंपल सा ड्रेस है, देखें स्टिच अच्छा हुआ है तो कितना प्यारा लग रहा है। इसीलिए सूट ब्रांड का हो जहाँ का भी हो आपका टेलर मायने रखता है कि अच्छा होना चाहिए, स्टिचिंग किस सूट पे कौन सा डिज़ाइन होगा, ये ब्ला 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 सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। सो गाइज मैंने क्या आपसे लिया था जी स्वीट कॉर्न, तो वहाँ पर मैंने खाया नहीं, घर ले आई, पेट फुल हो गया खुद। और दूसरा ये कि अभी जो हमने KFC अभी भी खाया है, सो तो अभी आई थिंक के हाफ हाफ इंच कमीज़ और खुली करनी पड़ेगी है डाइट में हो, पर डाइट में भी सम टाइम वीकेंड पे संडे को या सैटरडे को दिल होता है कि चलो जी हम इंजॉय करते हैं। ज़ाहिर है अब खाना भी तो है, तरसना तो नहीं है ना चीज़ों से, डाइट अपनी जगह, खाना पीना अपनी जगह। सो गाइस हम टेस्ट करेंगे इनकी स्वीट कॉर्न को। नाइस है, हनी का फ्लेवर है, सॉल्टेड हनी मिक्स साइज का फ्लेवर है, मज़े की है ये। अच्छा जी डाइट पे जो जो हैं वो खाया करें जी, भुट्टे आप बोल रहे हैं, छिल्ली बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, स्वीट कॉर्न तो ये आपको काफ़ी हेल्प करती है। वैसे भी बच्चों को देनी चाहिए, आप लेके आएँ बाज़ार से पानी में बॉयल करें और बॉयल करके खुद उनको दें, सैलड में हो जाए किसी भी चीज़ में, तो ये अच्छी होती है खाने के लिए। यहाँ पे तो अक्सर ज़्यादा होता है कि ये भुजी भी मिलती हैं तो वो अच्छी होती हैं, मज़े की होती हैं, नमकीन। व्लॉग में डिफरेंट जी मैंने ऐड किए थे स्टेप्स, कुछ किचन के कुछ बाहर के सब कुछ मिक्स करके। तो मेरा ये था कि इस दफ़ा का जो मेरा व्लॉग है वो काफ़ी लॉन्ग वाला हो, टाइमिंग हो मैक्सिमम 5-6 मिनट से ऊपर की वीडियो मेरी जो है वो जाए। सो वीडियोज़ पे ऐड लगना भी शुरू हो गए हैं, सो प्लीज़ अप्रिशिएट करें। लास्ट मेरा जो मेरी शॉर्ट वाली वीडियो गई है उस पर कोई खास मुझे जो है वो व्यूज़ नहीं मिले, लॉन्ग वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। सो गाइस प्लीज़ मस्ट सपोर्ट, आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, क्या जाता है आपका लाइक करने में वीडियो। वैसे भी मुझे इतना पता है, आधे से ज़्यादा वीडियो पूरी देख लेते हैं, क्या हुआ इसने कैसे किया ये किया ब्ला ब्ला सब कुछ, बट लाइक करते हुए उनका जो थंब है ना उसमें पेन हो जाती है। सो पेन ना हो, लाइक कर दिया करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।